नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। राहगीरों से लूटपाट करने वाला पकड़ा गया गिरोह। लूटपाट के इरादे से सीआईए की टीम पर तानी थी पिस्तौल। 3 जिलों में 6 लूटपाट की घटनाओं का हुआ पर्दाफाश। पंजाब के व्यक्ति को बंधक बनाकर पिस्तौल के बल पर नकदी, अंगूठी और मोबाइल फोन लूटने के 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 30,000 रुपए का जुर्माना भी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुए व्यक्ति ने पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। गांव डुमियाना में 7 अप्रैल की देर शाम शराब ठेके में आग लगाने की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। CI3 की टीम ने गांव पावटी घर से चोरी हुए सोने के जेवरात खरीदने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से 80,000 रुपए की नकदी भी की गई बरामद। नशा तस्करों के खिलाफ पानीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो अफीम सहित नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। डीसी वीरेंद्र दहिया ने कहा कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। डीसी के निर्देश पर एसडीएम व पुलिस अधिकारियों ने जांचे जाम पॉइंट। जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक लेते हुए डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जिले में अनधिकृत व अवैध कॉलोनियां नहीं होने दी जाएगी विकसित। पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों और आम क्षेत्रों में आगजनी की होने वाली समस्याओं से निजात के लिए पायलट स्कूल के सामने बनेगा फायर स्टेशन। अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन बनाने के लिए आवंटित की गई 2 एकड़ भूमि, विधायक ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। डीसी, मेयर और निगम आयुक्त ने नैन गो अभ्यारण का किया दौरा। शहर में आज से पकड़े जाएंगे बेसहारा गोवंशों को छोड़ा जाएगा नैन गो अभ्यारण में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े हुए से पानीपत के साथ नमस्कार।